आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम ग्राउंड्स ऑन विच पार्टीज में चैलेंज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो, अपने अब तक के वीडियोस में हमने सेक्शन 10 को कवर कर लिया है जो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 11 को कवर किया। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 12 को कवर करेंगे जो बेसिकली बताता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच जिसके बेसिस पर पार्टीज जो हैं मे चैलेंज कर सकती हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को, मे चैलेंज कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, राइट। चलिए सेक्शन 12, तो बेसिकली हम चैप्टर 3 जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, जो स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम सेक्शन 10 to 15, और इसी के तहत हम सेक्शन 12 को कवर कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन से बेसिस हैं, वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके तहत पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकता है, राइट। देखो, तो सेक्शन 12 क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड एज एन आर्बिट्रेटर ही शैल डिस्क्लोज इन राइटिंग एनी सर्कमस्टांसेस मेंशनड बिलो। जब पार्टीज किसी पर्सन को अप्रोच करती हैं कि आप आइए और आर्बिट्रेटर के तहत एक्ट करिए, हम आपको आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं, तो जब कभी भी एक पर्सन को आर्बिट्रेटर के तौर पर अप्रोच किया जाता है तो उसे डिस्क्लोज करना होता है राइटिंग में एनी सर्कमस्टांसेस मेंशनड बिलो, यानी ये जो सर्कमस्टांसेस नीचे दिए गए हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर जो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, उन सर्कमस्टांसेस के तहत उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर को राइटिंग में डिस्क्लोज करना होता है। जैसे ए, एनी एग्जिस्टेंस आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिगार्डिंग एनी पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप और इन इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टीज, राइट। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ए कि जो आर्बिट्रेटर है जिसे हमने अप्रोच किया था, जो आर्बिट्रेटर है जिसे पार्टीज ने अप्रोच किया था कि आप आर्बिट्रेशन के तहत आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करो और हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो, तो जो ही इसे आर्बिट्रेटर के तौर पे अप्रोच किया गया, इसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सेक्शन 12 के तहत इसे राइटिंग में डिस्क्लोज करना होता है। क्या कहता है, अगर इसका यानी आर्बिट्रेटर का किसी प्रकार से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई पास्ट या प्रेजेंट रिलेशनशिप था, या जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है, मान लो पार्टी 1 एंड पार्टी 2 ए एंड बी,
इन दोनों ही पार्टीज में से किसी एक पार्टी से इसका किसी प्रकार से इंटरेस्ट था, किसी प्रकार से कोई डायरेक्ट या कोई इनडायरेक्ट रिलेशन था, या कभी पास्ट में या एट प्रेजेंट। यानी ये जो आर्बिट्रेटर है वो इन दोनों ही पार्टीज में से किसी एक पार्टी से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड रखता है, रिलेशन रखता है। और इन कनेक्शन टू सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, यानी इन दोनों ही पार्टीज में जो सब्जेक्ट मैटर है जो कि डिस्प्यूट में बना हुआ है, जिसके ऊपर ये डिसीजन चाहते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से किसी प्रकार से इसका कोई कनेक्शन है, यानी आर्बिट्रेटर का किसी प्रकार से जो मैटर इन डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच, उससे कुछ कनेक्शन है, जैसे कोई फाइनेंशियल कनेक्शन है, यानी फाइनेंशियली ये क्या है उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है, इसे कोई बेनिफिट मिलेगा किसी दूसरे पार्टी से, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा अगर डिसीजन उसके फेवर में देता है तो, या किसी प्रकार से कोई बिजनेस रिलेशन है उस मैटर इन डिस्प्यूट से, कोई प्रोफेशनल या किसी अदर प्रकार का कोई रिलेशन है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट से, विच इज लाइकली टू गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट्स एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, जिससे ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर नहीं है या ये इम्पार्शियली आर्बिट्रेटर के तौर पे एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज दैट इंटरेस्ट इन राइटिंग टू द पार्टीज, कि ये जो पार्टी भी है उससे मेरा किसी प्रकार से कोई रिलेशन रहा है पास्ट में या प्रेजेंट में, या इन दोनों पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस डिस्प्यूट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट्स हो सकती हैं, मैं इस डिस्प्यूट से फाइनेंशियली बिजनेस के तौर पे, प्रोफेशनल के तौर पे, या अदर किसी रूप में इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से मेरा इंटरेस्ट है। तो अगर ऐसा है तो ये आर्बिट्रेटर का ड्यूटी है कि वो अपने इस इंटरेस्ट को राइटिंग में डिस्क्लोज करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता और इन दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को ये चीज़ पता लगता है तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर दिस पर्टिकुलर पार्टी हैविंग द राइट टू चैलेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि भाई इसका तो इस पार्टी से इंटरेस्ट था, तो जब इस पार्टी से इंटरेस्ट था और इसने इस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, यानी इसने पार्शियल एक्ट किया है, राइट तो ये चीज है। और बी क्या कहता है, विच आर लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू आर्बिट्रेशन एंड पर्टिकुलरली हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द एंटायर आर्बिट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो बी क्या कहता है, बी कहता है कि उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन के तहत इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दे विद इन 12 मंथ्स, या वो कैपेबल नहीं है कि वो एंटायर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर ले, राइट और इन दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को लगता है कि ये बहुत डीले कर रहा है, और ये रियलाइज होता है किसी पार्टी को कि विद इन 12 मंथ्स ये इन डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना टाइम किन्हीं और चीज़ों पर भी लगाता है, तो ये पूरी तरह से सफिशिएंट टाइम नहीं दे सकता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को।
तो इस ग्राउंड पे भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया जा सकता है पार्टीज के द्वारा। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलिए अब देखो, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन वन, तो ये क्या कहता है, grounds stated in fifth schedule shall guide in determining whether circumstances exist which give rise to justifiable doubts as to independency or impartiality of an arbitrator। क्या कह रहे हैं, schedule 5 में यानी arbitration and conciliation act 1996 के schedule 5 में वो सभी ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं, और जब आप उन ग्राउंड्स को पढ़ोगे तो वो ग्राउंड्स आपको गाइड करेंगे, यानी एज ए पार्टी अगर आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जो पांचवा शेड्यूल है उसे पढ़ते हो तो वो जो पांचवा शेड्यूल है वो आपको गाइड करेगा कि आप डिटरमाइन कर सको, निर्धारित कर सको कि क्या उनमें मेंशन कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जो आपके मन में रीजनेबल डाउट क्रिएट कर सके कि जिस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर को आपने अपॉइंट किया है वो आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, या वो इम्पार्शियल नहीं है। तो बीइंग अ पार्टी, इफ यू हैविंग डाउट दैट द आर्बिट्रेटर यू हैव अपॉइंटेड इज नॉट एक्टिंग इम्पार्शियलिटी, तो आप पांचवें शेड्यूल में जो ग्राउंड्स मेंशन हैं उन ग्राउंड्स को देख सकते हो और ये क्लारीफाई कर सकते हो कि आपका जो आर्बिट्रेटर है वो इम्पार्शियल एक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंसली एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सप्लेनेशन टू, तो क्या हम एक्सप्लेनेशन वन में जो पांचवा शेड्यूल है और जो ग्राउंड्स मेंशन है, अगर हम उन ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड को प्रूफ कर दें अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर, तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि जो आर्बिट्रेटर है वो पार्शियल है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, और इस पर्टिकुलर बेसिस पर हम कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आओ एक्सप्लेनेशन टू, क्या कह रहा है, द डिस्क्लोजर शैल बी मेड बाय सच पर्सन इन फॉर्म स्पेसिफाइड इन सिक्स्थ शेड्यूल। देखो, उस पार्टी ने किसी एक ग्राउंड को जो कि मेंशन था पांचवें शेड्यूल में उसे प्रूफ कर दिया और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज कर दिया, तो किस ग्राउंड पर आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज किया है उस ग्राउंड को आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में तैयार करना होगा, जो फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन टू के तहत शेड्यूल सिक्स में दिया गया है, राइट। तो ये था सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, और ये जो दो क्लॉजेस थे ए बी और एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2, राइट। आगे बढ़िए, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 अब क्या कहता है, यानी पॉइंट 2 क्या कहता है, एन आर्बिट्रेटर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स
एन आर्बिट्रेटर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी अपने अपॉइंटमेंट के समय से, एंड थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, यानी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान, शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी देरी के, डिस्क्लोज टू द पार्टीज, पार्टीज को डिस्क्लोज करेगा, यानी पार्टीज के बीच डिस्क्लोज करेगा, इन राइटिंग, राइटिंग में, रिटन में, एनी सर्कमस्टांसिस एज रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1, अनलेस दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। क्या कह रहा है? सिंपल, जिस समय आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है, उस पर्टिकुलर दिन, उस पर्टिकुलर समय से, और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान, जब कभी भी उसे ऐसा लगे, तो उसे बिना किसी देरी के पार्टीज को बताना है राइटिंग में। अगर इन दो क्लॉजेस को हमने पढ़ा, ए बी, जो कि सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में आते हैं, कि किसी प्रकार का कोई रिलेशन रहा है पास्ट में या प्रेजेंट में, या सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट से किसी प्रकार से उसका कोई इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल, बिजनेस, प्रोफेशन, या किसी प्रकार का, या वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे सकता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को, तो अगर ऐसा है तो उसे तुरंत डिस्क्लोज करना है पार्टीज को राइटिंग में। अगर उसने पहले ही पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया था, तो इन दैट केस दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर उसने पहले पार्टीज को इन्फॉर्म नहीं किया था, तो उसे आर्बिट्रेशन के लिए जिस दिन उसे अपॉइंट किया गया, या ड्यूरिंग दी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, उसे राइटिंग में डिस्क्लोज कर देना है पार्टीज को। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, यानी तीसरा ग्राउंड, जिस ग्राउंड के बेसिस पे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 12 एंड सबसेक्शन 2 के तहत, मान लो कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, ए बी जो दो ग्राउंड्स थे, उनमें से कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता था और आर्बिट्रेटर ने ऐसा नहीं किया, तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर हम कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकते हैं। हम मीन्स आइदर पार्टीज, मतलब दोनों में से कोई पार्टी। तीसरा पॉइंट, एन आर्बिट्रेटर मे बी चैलेंज्ड ओनली इफ, आर्बिट्रेटर को हम चैलेंज कर सकते हैं कब? पहला, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट्स एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। तो कुछ सिचुएशंस ही इस प्रकार से हैं, सर्कमस्टांसेस इस प्रकार से हैं, जो पार्टी के मन में रीजनेबल डाउट क्रिएट करता है रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर। और अगर पार्टी को ये कन्फर्म करना है, तो वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के शेड्यूल 6 में अपने इस डाउट को कन्फर्म कर सकता है कि एक्चुअली में कौन सा ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बेसिस पर हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ही डज नॉट पॉजेस द क्वालिफिकेशंस अग्रीड टू बाय द पार्टीज। आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते समय क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, पार्टीज ने अपने बीच क्या अग्रीमेंट किया था कि दैट आर्बिट्रेटर हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय देम मस्ट पॉजेस दीज क्वालिफिकेशंस। इफ इज नॉट हैविंग दोज क्वालिफिकेशंस, तो उन ग्राउंड्स पे भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के
कॉम्पोजिशन को चैलेंज किया जा सकता है इन केस दैट आर्बिट्रेटर हैज गिवन डिसीजन इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। राइट, चौथा पॉइंट, अ पार्टी मे चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और इन हूज अपॉइंटमेंट ही वॉज पार्टिसिपेटेड या ही हैज पार्टिसिपेटेड ओनली फॉर रीजन्स ऑफ विच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड। तो ये लाइन क्या कह रहा है, देखो चौथा पॉइंट कहता है कि पार्टी आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकती है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकती है। नाउ हम क्यों कह रहे हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्योंकि हमने पढ़ा है डेफिनेशन सेक्शन में, हमने डेफिनेशन सेक्शन में पढ़ा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब होता है सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो पार्टी है वो आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकती है या कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर सकती है जिसे उसने अपॉइंट किया है, इस ग्राउंड पर कि अपॉइंटमेंट के समय ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पार्टी को नहीं पता था, जो उसे पता चला उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के बाद, यानी द इन्फॉर्मेशन विच इज हैविंग क्रूशियल इम्पॉर्टेंस इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स या जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर सकती है, जो इन्फॉर्मेशन उसे पहले पता होना चाहिए था अपॉइंटमेंट के समय रिगार्डिंग आर्बिट्रेटर, वो इन्फॉर्मेशन अपॉइंटमेंट के बाद किसी दूसरे सोर्स से उसे पता चला, तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर भी पार्टी उस अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को जो कि खुद उसने अपॉइंट किया था चैलेंज कर सकती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी prior agreement to the contrary, any person whose relationship with parties or counsel or subject matter of dispute falls under any of categories specified in 7th schedule shall be ineligible to be appointed as arbitrator. Kya keh raha hai? प्रतिकूल किसी पूर्व करार में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पक्षकारों या काउंसिल या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी के अधीन आता है मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपात्र होगा। देखो फिर से समझो, नॉट विथ स्टैंडिंग भले ही एनी प्रायर अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी, एनी पर्सन हुज रिलेशन विथ पार्टीज और काउंसिल और सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन 7th शेड्यूल शैल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर। सिंपल ये कहता है कि भले ही पार्टीज के बीच कोई प्रायर अग्रीमेंट हुआ हो कि देखो ये जो आर्बिट्रेटर है जिसे हम अपॉइंट करेंगे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर से मेरा ऐसा रिलेशन रहा है या मैं इसे पहले जानता था, और सपोज करो इस
पार्टी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आई एम रेडी, और मैं इसे आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए रेडी हूँ। तो सपोज करो इन दोनों पार्टीज के बीच इस पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर के अग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो भी अगर मालूम पड़ता है कि 7th शेड्यूल के तहत ये जो पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर है इसका किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट रहा है पार्टी से, या सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट से किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ये आर्बिट्रेटर स्टैब्लिश करता है, तो भले ही दोनों पार्टीज के रजामंदी से इसे आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, और लास्ट कहता है प्रोवाइडेड दैट पार्टीज में सब्सिक्वेंट टू डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन देम वेव द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सबसेक्शन बाय एन एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट इन राइटिंग। तो कह रहा है कि डिस्प्यूट अराइज हो जाने के बाद और डिस्प्यूट का पता लग जाने के बाद किस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बेसिस पर इस पार्टी ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज किया है, इस पर्टिकुलर सबसेक्शन यानी सबसेक्शन 5 को वेव ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। और जब वेव ऑफ किया जाएगा तो वो राइटिंग में किया जाएगा, एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट होगा राइटिंग में कि हम सबसेक्शन 5 को क्या कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट हमें पता चल गया है और इसी डिस्प्यूट पर पार्टी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन को चैलेंज करने वाली है। ठीक है, ये था सेक्शन 12 ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्टीज में चैलेंज कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको ये टॉपिक समझाई, और मुझे यकीन है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब आपके टीचर्स इसे समझाएंगे तो आई होप कि आप इजी फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते समय, राइट?